भगत पूर्ण सिंह नूं पिंगलवाड़ा खड़ा कर ली समय दीआं सरकारां दा विरोध दा सामना करना पिया। भाई गुरप्रीत सिंह मनुखता की सेवा कर रहे सोशल मीडिया ते बना के इदां दीआं पोस्टां पा पा के मनोबल डेगण की कोशिश कर रहे, पर वो मर्द सूरमे अपना काम करी जा रहे, जिन्हां ने बजुर्गों की सामना, जिन्हां ने मेंटल बंदे जड़े, जिन्हां नूं घरां च लोग संगलां नाल बन बन के, बाप वास्ते बड़ा औखा हुंदा है अपने पुत नूं संगलां नाल बन के रखना घर च, अपने बच्चे नूं जिन्हों माँ ने खुद पैदा किया हो, माँ बाप वास्ते बच्चों नूं संगल नाल बन के रखना बहुत औखा हुंदा है। ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चे जड़े संगलां नाल बन के परिवारों ने रखे सी, उन्हां नूं संगलां तों आजाद करके उन्हां नूं सोहना जीवन देना, अज भाई गुरप्रीत सिंह मनुखता की सेवा कर रहे लुधियाने लागे। तुसीं कि सोचते उन्होंने विरोध का सामना नहीं करना पैंदा? कई बंदे जिहड़े घर अपनी सकी मां नूं पानी का गिलास देण तों वी कन्नी कतराउंदे आ, पोस्टां उह वी उहदे विरुद्ध कई पाई जाणगे, पर परवाह नहीं करनी। जिहड़े सच दे रस्ते तुरदे आ, समां याद करदा भगत पूर्ण सिंह दे जदों पंगलवाड़ा उन्हां शुरू कीता सी, समान चुके लै जांदे सी लोग, सरकारां तशद्दुद करदियां सी, तुसीं वेखी होणी आ जिहड़ी भगत पूर्ण सिंह दे नाते फिल्म बनी सी, इह जन्म तुम्हारे, एक नहीं वेखियो नैट ते पई होई है, ओ वेखी है ना सारिआं, जिन्हें नहीं वेखी वेखियो जरूर, अज वह मूवी वेखियो तुहानू समझ आऊगी कि भगत पूर्ण सिंह नूं वी पिंगलवाड़ा खड़ा करन लई, उह चो कोई निजी बेनीफिट नहीं सी भगत पूर्ण सिंह दा, कोई निजी लाभ नहीं सी उहदा, पर उन्होंने भी पिंगलवाड़ा खड़ा कर ली, समय दीआं सरकारां दा विरोध दा सामना करना पिया। इहदा मतलब समझ आ रही है ना, भी गुरु अर्जन साहब जी ने तो किसी का गुना किसी का नुकसान किया ही नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वह भलिओ तुहाडे घरों तुहाड्या बच्चों दीआं बरातां जाण, पातशाह ने अपने जिगर के चार टोटे वारते, तुहानू ते पातशाह के चरण धो धो के पीने चाहिए, तुसीं जंगा करन आ रहे जी पातशाह नाल, एहसान फरामोशी की भी कोई हद हुंदी है? आप अनाथ होना प्रवान कर लिया कि असी अनाथ ना होइए। साढ़े नौ साल की एज सी जदों गुरु तेग बहादुर महाराज शहादत का जाम पीते ने, ते माता गुजर कौर 53 साल की उम्र सी गुरु तेग बहादुर महाराज की, ते माता गुजर कौर 2-4 साल छोटे ही होणगे, कि एज सी जी माता गुजर कौर जी की जदों अपनी झोली में अपने पति का सीस पाया होएगा माता जी ने, जदों अपने घर चो अपने पोतरियां दीआं बरातां लैके तुरदे हो ना मेरी ओ भैणों, अपने जहन में सवेरे माता गुजर कौर का ध्यान लिया करो, माता तेरा देन कित्थे देवांगे, जे अज साडे घरों साडे पोतरे दी पुत दी बरात जा रही है, ये सिर अज तुहाडे सिर ते बजा, तुसीं अपने पोतरे साडे तो कुरबान कीते ते अज असीं अपने बच्चे बच्चियां दीआं बरातां लैके जा रहे हां, शुकराना करिया करो उस दाते दा, उस मां दा, उस बाप दा जिसने सब कुछ साढ़े तो कुरबान कर दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन एडा महान है, उन्होंने नाम लेंदे ही ना एक बंदा जोश ना भर जाता, साढ़े तो निक्कियां निक्कियां घटनावां आ जाने असीं बड़ी छेती डोल जाने, नर्वस हो जाने। सात संगत आपां घर बनाउने आ, अपने घर के 5-7-10 जी हुण किसे जी का अंतला समां घर च ना ना आवे, कट्ठे रहिंदे होइए तो लोग कहणगे इह किदां दा घर सी, आनंदपुर साहब की धरती से सारे कच्छे बैठे होण, किसे परिवार का अंतला समां आनंदपुर साहब नहीं आया, वड्डे साहबजादे चमकौर साहब की गढ़ी के बाहर, छोटे साहबजादे पे माता गुजर कौर फतेहगढ़ सरहंद, गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली, आप हजूर साहब सिर झुकदा पातशाह, इन्ना कुछ सहन तो बाद भी तुहानू दुनिया के इतिहास में इदां दी चढ़दी कला की मिसाल नहीं मिलेगी कि पातशाह ने एक भी मेहणा अकाल पुरख नूं मारिया होवे। सिखो इतिहास घटनावां सुणन दा अर्थ पता की है, जदों तुहाडे ते माड़ी मोटी कोई मुसीबत पवे डोलना नहीं, ये नहीं भी महाराज मैं तो छड़ के तेरा दर उत्थे चलिया, उत्थे को बाबा आया, ऐस दर नालों वड्डा कोई दर नहीं, बोलो सारे ऐस दर नालों साचे साहिबा की नहीं हैगा तुहाडे घर।
गुरु ग्रंथ साहब के लड़ ला के गए सानू दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज। अज उहदे न्यारे पंथ विच देहां दी पूजा हो रही है, देहां दी, समझदे हो ना। नैट भरिया पिया, इंटरनैट उत्ते वीडियो वेखो कढ के, आप ही लिया के फुल देने परिवारां नूं, आप ही अपने उत्ते फुल सदाए जा रहे आ। स्पैशल बाबियां वास्ते गदेले वखरे लग रहे आ, गड्डी च बहिंदे आ तां कपड़ा वखरा विछदा वा, फुल वखरे सुट्टे जांदे, इन्ने खेखण करदे आ दुआई रब दी। जिहड़े घर चंगी तरह मां नाल नहीं बोलदे, अपने पिता नाल नहीं बोलदे, सिखो किहड़े बन्ने तुरे फिरदे जे तुसीं यार। लोक कर्म कांड कर, तुसीं तां कम से कम करो। एसी दे विच वी पखा चल रहा जी उहनूं।